वेलकम गाइस गाइस आज का टॉपिक है फ्रेंड्स एनपीके कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक एनपीके, क्योंकि हर किसी को एनपीके अवेलेबल नहीं होता है, तो हम घर में ही एनपीके बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये है बनाना पील। बनाना पील को जब मैंने सुखा के और इसका पाउडर बना लिया है। ये है चाय की पत्ती जो मैंने धो के सुखा लिया इसको, और क्या है फ्रेंड्स, वो तीसरी चीज़ एक और है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, बहुत नाइट्रोजन होता है और प्लांट के लिए, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो प्लांट के लिए मिलता है वो बहुत ही अलग होता है। फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर मैं सोचती हूँ ऑर्गेनिक ही यूज़ करूँ, पर आपको भी मैं यही सजेशन देती हूँ कि आप भी ऑर्गेनिक ही यूज़ करिए। इसमें बहुत सारा पोटाश होता है, पोटेशियम होता है बनाना पील में। यह बनाना पील यानी कि केले के छिलकों को मैंने सुखा लिया है, सुखाकर पाउडर बना लिया है ग्राइंडर से, तो आप भी वैसी करिए। और तीसरी चीज़ मेरी क्या है, ये क्या है, ये है मस्टर्ड केक। इसको भी मैंने पाउडर बना लिया है, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा रखा है मैंने, वो भी आप भी ऐसे ही कर ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, चाहे वो इंसान के लिए रहने दो, चाहे पेड़ों के लिए रहने दो। मस्टर्ड जो सीड आते हैं, मस्टर्ड सीड वो भी बहुत बेनिफिट होती है हमारे लिए, फॉर अस, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, और वो फाइबर होता है, विटामिन D3 होता है, फॉलिक एसिड होता है, बहुत सारे विटामिन आपको गिना नहीं सकते, इतने होते हैं। तो वही प्लांट के लिए जब वो ऑयल निकल जाता है उसके बावजूद भी ये इसमें सरसों खली में प्लांट के लिए न्यूट्रिशन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ने ऑयल निकाल लिया, ऑयल तो प्लांट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, ऑयल तो वैसे भी हमको अच्छा नहीं रहता, मतलब प्लांट के लिए सही नहीं रहता है, तो हम ऊपर जो गंदगी आ जाती है तो निकाल के फेंकना पड़ती है, ऑयल ऊपर आ जाता है जब पानी में डालते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि मस्टर्ड खली फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, तब वो ऊपर आ जाता है पूरा ऑयल, तो निकाल के फेंकना पड़ता है, और मतलब जो लिक्विड सही है वो लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यही है कि मस्टर्ड का जो ऑयल निकल जाता है जो हम लोग खाते हैं, उसका ये है कि ये जो बचता है ना, ये प्लांट के लिए बहुत बेनिफिट वाला होता है। एनी प्लांट, कोई भी प्लांट रहने दो, चाहे रूट के लिए बहुत अच्छा होता है। एनपीके का मतलब क्या है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश पोटेशियम, यही एनपीके है। ओके फ्रेंड्स, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब पोटेशियम, और फास्फोरस, यही बेनिफिट होता है इसका। तो फ्रेंड्स ये आप कैसे डालेंगे ये मैं आज बताऊंगी आपको। ये देखिए, इसका हमने 2 चम्मच लिया, इसका हमने 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। ओके फ्रेंड्स, और इसका भी हम 2 चम्मच लेंगे। इसका भी हम 2 चम्मच ले लिया, अब इसका भी हम 2 चम्मच लेंगे, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है। पोटेशियम भी उतना ही ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से ये 2 ही चम्मच है, तो मैं पूरा ले लूँगी इसको इस तरह से। ये देखिए, अब हमें इसको सबको मिक्स कर लेना है इस तरह से।
मिक्स करके हमें सिर्फ एक हफ्ते में या दो हफ्ते में, मैं तो एक हफ्ते में डालती हूँ, अगर आप चाहें तो दो हफ्ते में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा मैं चाहती हूँ ज़रा मतलब ज़्यादा हेल्दी रहे प्लांट, तो मैं हर हफ्ते डालती हूँ। ये देखिए ऐसा एक चम्मच लेंगे हम, ये इतना बड़ा वाला, अगर आपके चाय के चम्मच है तो तीन चम्मच डाल दीजिए आप, अगर ये तीन चम्मच का एक है तो मैं यहाँ पे एक ही डालती हूँ, इतना हर हफ्ते डालती हूँ ना तो इतना काफ़ी होता है। ये स्लो मतलब 15 से 20 दिन लगते हैं इसको काम करने में, तो मैं इसलिए हफ्ते में एक बार डाल देती हूँ एक चम्मच। ये एक चम्मच कितना होता है मैं बताती हूँ, देखिए ये इतना होता है, चाय के तीन चम्मच होंगे, तो आप भी उसी हिसाब से डालिए, अपने हिसाब से अपने प्लांट में डाल सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड्स डालते कैसे हैं, ये एक चम्मच लिया फुल भरा, और अगर आपके पास चाय की चम्मच है तो आप तीन डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गुडाई करके और पूरे ये ट्रंक के ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और चारों तरफ से ऐसे गड्ढा करिए इस तरह का, और इस तरह से डाल दीजिए, ये देखिए इस तरह से। ओके फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, चारों तरफ बराबर बराबर इस तरह से डाल के, और फिर से इसी तरह ऐसा, ये देखिए इस तरह से ऐसा ढक देना है मिट्टी, और मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है और चाय मतलब पानी देना तो ज़रूरी है, उसके बाद पानी दे दीजिए आप। ओके फ्रेंड मेरी मिट्टी गीली है तो मैं अभी पानी नहीं दूंगी, मैं शाम को दूंगी, पर दूंगी ज़रूर, आज पानी दूंगी मैं, पर मेरी मिट्टी गीली है तो मैं अभी पानी नहीं दे रही, क्योंकि अभी धूप भी नहीं है, अगर धूप निकलती है तो हाल पानी देना ज़रूरी है, मेरे पास यहाँ धूप नहीं है, देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरे पास धूप नहीं है इसलिए मैंने इसी तरह से छोड़ दिया है, और शाम को मैं पानी दूंगी इसमें। ओके फ्रेंड ये मेरा बॉन्साई है, नीम बॉन्साई है ये, तो बस। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हैप्पी रहिए, हैप्पी गार्डनिंग, और मस्टर्ड सीड खाते रहिए, हर सालन में ये वैल्यूएबल होते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट देते हैं ये इंसान की हेल्थ के लिए। सो मस्टर्ड सीड यूज़ करिए आप ज़्यादातर खाने में। सो हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।